लोगों के लिए, इस धरती की हर मरीज के लिए, हर पुरुष के लिए आप शहीद बन गई है। आपका यह शहीद, आपका यह शहीद जीवन अमर है। सोचता है कि आग पकड़ी है और उसी से प्रेरणा पाकर आप इस जंग में कूद पड़ी थी कि मैं शोषितों को अपना अधिकार दिलाऊंगी, मैं गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर संकट करूंगी। यह समर्पण, यह बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। आपने हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया है। आप हमारे लिए एक नया गुजारा बन गए हैं। हत्यारों को नहीं मालूम था तो उसकी हत्या के द्वारा सिस्टर का जीवन समाप्त नहीं होगा। आप कितने साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ती रही। इस दिव्य बात से हमें देख रही है कि हम कितने एक प्रेम भाव से एक होकर इस और यात्रा के साक्षी हैं। आपने रक्त सत्य और न्याय कभी मरेगा नहीं। शोषितों की रक्षा होगी, गरीबों के लिए हम आवाज उठाएंगे। गरीबों का जब शोषण किया जाता है, महिलाओं के लिए रोजी रोटी कमाने की जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हम जारी रखेंगे। आपने अपने जीवन का हर क्षण, अपने जीवन में आपके जीवन पत्नियां एक करके ग्रामीणों को अपना अधिकार दिलाने के लिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, सबके के लिए करने के लिए आपने अपने सर्वाधि दे दी है। मुझे आपके सारे भूमि है, मुझे सारे अपने हम आपके आपकी समय साथ में
माता मरिया कृपा परम प्रभु तेरे साथे धन्य सुख धन्य उन्होंने अपना जीवन अनुवाद कर दिया है। वो कविता हम मेरे साथ याद रखेंगे। अरे प्लीज स्टैंड आउटसाइड, अरे प्लीज स्टैंड आउटसाइड, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड आउटसाइड। Thank you.
सिस्टर रानी मरिया का पार्थिव शरीर पंडाल से लाए जा रहे हैं, सब लोग कृपया प्रार्थना दिया जाए और ध्यान रखना कोई भी पंडाल के अंदर नहीं आए, सबको दर्शन के लिए मौका मिलेगा। कृपया आप लोग जो सामने है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी पंडाल में नहीं आए, पार्थिव शरीर के साथ और कोई नहीं आए। कृपया ध्यान दीजिएगा, उड़ने का नहीं होगा उसके बारे में ज्यादा भूट गया। प्रशासन की ओर से जो भी दर्शन करना चाहते हैं कृपया करते हैं। सिस्टर रानी मरिया वीटकारी ബന്ധുക്കളും പ്രതിയായി വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അല്പം മാറി നിൽക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാതെ ഒരു അവസരം നൽകുക. വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കൃപയായി അല്പം മാറി നിൽക്കുക. ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊറി കട നഗരങ്ങൾ സബ്കോ ദർശനത്തിലെ മൗക്ക ദീജിയ ജരൂരി ജൽദി ആകെ കൃപയാ ജി ആയി സിസ്റ്റർ മരിയ അന്തിമ ദർശന കണ്ണാ ചാത്ത കൃപയാ ആകെ ആയി ഫാദർലോ
जल्दी जल्दी आगे बढ़िए बादल लोग, एक दर्शन करके प्रभु आगे जाने दीजिए, आगे उस पर जाइए। लेकिन सब लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोग कृपया जमीन पर बैठ जाए, यहाँ पर आप लोग करेंगे वही बैठ जाए। सब लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शोक सभा शुरू करने जा रहे हैं। एक शोक सभा शुरू करने से पहले आप लोगों से सबसे निवेदन है, जहाँ पर आप लोग खड़े है वही वही बैठ जाए, ताकि हम सभा और आगे का कार्यक्रम ठीक से चला पाए। आप लोगों से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। कुछ साधन में वॉलंटियर्स बनकर कृपया लोगों को बिठाने का कष्ट करें, फादर लोग और दूसरे लोग कुछ वॉलंटियर सब लोगों को बिठाएं, ताकि हम शोक सभा शुरू कर सकते हैं। शोक सभा में शोक प्रकट करने वाले व्यक्तियों का नाम अभी मैं बताऊंगा, उन लोगों से निवेदन है, वो लोग मई के आस पास आ रहे हैं। मैडम मेबल डुबन्नो, पावर सामियल, पवन भट्टाचार्य, डिजिटल मिस्टर महेंद्र जोशी और एसपीसी प्रोविंशियल, एक बार फिर से मैं सुना रहा हूँ, मैडम मेबल डुबन्नो, फादर सामुएल, पवन भट्टाचार्य, मिस्टर बुजवल, मिस्टर महेंद्र जोशी, मिस्टर जोहर जानाती, आर्चबिशप प्रोविंशियल फ्रांसिस्कन क्लारिस कॉन्ग्रीगेशन, इसके अलावा फादर धर्माध्यक्षगण, सिस्टरगण, भादरगण, एडिशनल कलेक्टर सुंदर झोपड़े के साथ दिल्ली से यहाँ आए और हम देखते आए, उनसे बात करते आए, हमको देखना ये मिला, ये इलाके में आदिवासी आदिवासी है, गरीबी ही गरीबी है, उनके साथ यहाँ दो गरीब लोग भी है और ये इससे हमको बिल्कुल ही मिला है। इस गाँव से यहाँ जो पूंजीपति लोग है, हरियंत्र गाँव है, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने एक सिग्नल देना कोशिश किया और ये सिग्नल लेकर इस सिस्टर को ये देश को खत्म करे और ये सिस्टर यहाँ से निकल चली जाए और हमारे काम हमारा देश में से घूम रही है। ये वो सर से जो यहाँ काम करना चाहते हैं उस लोगों को वो मदद करती रहेंगे हमेशा और उस मदद से ये छोटा उदय नगर में एक रेवोल्यूशन चालू हो जाएगा और इस रेवोल्यूशन से ये जो बागली चुनाव है जितने भी बागली तहसील में जितने भी आदिवासी है इनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा और ये लोग वो भी स्वस्थ में हुआ, वहाँ करीब करीब 40-50 लोग थे, वहाँ पुरुष थे, वहाँ महिला थी, वो किसी का हिम्मत नहीं हुई, किसी का हिम्मत नहीं हुई जो उनको उनको मारना चाहते थे, खुली नगर पर बागमल नगर बागमल स्टेशन के नागरिकों की ओर से शोक प्रचार भी प्रकट करता है, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि सिस्टर को स्वर्ग में स्थान दे करना।
है नॉट ओपन इतनी लगती ब्रेक बागली क्षेत्र की ओर से सिस्टर मारिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद जो अभियान करते हैं प्रभु के इस निधिवाणी से संबोधित होकर हमारे अगर न्याय तत्व का स्वर्गीय विवाद तक पहुंच चुके हैं वही पुकार हमेशा के लिए उनकी रहेगी वही पीढ़ी सदैव देखी रहेगी। न्याय जयंती प्रभावित जिले के कुंडली नामक एक छोटा सा गांव में उनका जन्म हुआ। उसके उनके पिता पोल और माता एरिका के साथ सात संदारा में वह दूसरी थी पक्ष में 1980 में था। प्रशिक्षण द्वारा से थी गरीबों के गरीब उनकी आशा पीड़े थी और एक मिश्री बनकर प्रभु का संदेश वाहक बनने की प्रबल इच्छा उनके प्रचुर मात्रा में उन्हें उत्तर प्रदेश के बिजनौर धर्म प्रांत के मिशन केंद्र में भेजा गया। तब उनकी एक तीव्र अभिलाषा पूरी हुई बिजनौर में 6 वर्ष तक गांवों में गरीब जनता के उठार के कार्य करने के बाद 1983 में 17 धर्म प्रांत के धर्मालय और श्री मिशन केंद्र में स्थानांतरण हो गया। 9 साल तक वो वहां भी समाज सेवा में कार्य में लगी रही। इसी बीच 92 में इंदौर धर्म प्रांत के उदयनगर स्नेह सदन में पहुंची और अपनी सेवा कार्य शुरू की। 1994 में प्रोविंशियल टीम का सदस्य बनवाने को थी। इस प्रकार 19 साल यूपी और एनडीए के उनके उस कार्य से उनकी तीव्रता तथा सहज शरीर सीधी सारी जीवन से उन्होंने प्रभु के आदर्श पर वे जड़े रही। अपना खून बहाकर ज्ञान देकर छात्र प्रेम और से जो हमें रखा जाता है हम तेरे समान ही जीव उठेंगे। हमारी बहन राज मुखिया का शरीर उस कदम में उस थली के सुख से पूर्ण पड़ा रहे जिसको जो पुनरुत्थान और जीवन है और आदोक न कर गए तो प्रभु सुखराजेश्वर ने हमारी इस बहन को इस संसार से बुला लिया है। इसलिए हम इस शरीर जो पृथ्वी में रख रहे हैं जिसे बनाया गया था मतलब हमें सोच एक जी उठे हमारा मुझे अपने प्रभु सुकेश को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ उससे प्रार्थना करते हैं अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारी बहन सहन मुखिया को बातों में आनंद जीवन की जमानत मिली थी अब अपने संतों के संदेह में उनका स्वागत कर। इन्होंने केस का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था इनका शरीर अंतिम दिन पर नहीं हो जाए। हमारी पृथ्वी पर धर्म संघ जीवन बिताकर दूसरों की सेवा की है अपने स्वर्ग के पूर्व समारोह में इनका स्वागत कर। हम अपने मनोखाई कथनों संबंधियों और पदार्थों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पुण्यकर्मों का इनाम दें। जितने लोग बनिया के माता पिता और प्रियजन उन्हें अपनी कृपा करके सहायता और दिलासा दें। हम सुबों को जो तेरी उपासना हम एकत्र हुए हैं जो अपने प्रताप में राज्य में बुला लें। हम सब मिलकर से तो उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे एक कृष्ण हमें सिखाया। अब हमारे धर्म ने परम्परा बोली थी हमारे।
चर्चा करें। प्रणाम मरिया, Mr. Lisa and community, please come friend. Please come friend. Mr. Lisa. 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 Just Maria, okay? Okay. Right.